गया यहाँ? फंक्शन में हर लड़का लड़की का अपना इंट्रोडक्शन। वेलकम वेलकम। हाय हाय स्टेला। अरे कहाँ थी और माँ कहाँ है? माँ आती होंगी। ये जो आ रहे हैं ये है माइकल माइकल, हमारे डैनी मास्टर के डैडी। क्या हाल है? अरे जवान है क्या? जवान भी है और पठानियन भी। क्या बात कर रहा है? हाँ, ए जजा मजे का खाना पीना खाकर जाइएगा। आर्मी में काम करना बोले तो बॉडी एकदम मजबूत रहती है। बिल्कुल सही कहा। हाय मेजर सर। ये बात तो है। नमस्कार। क्या चल रहा है ये सब? इन लोगों की यही आदत है, कोई भी फंक्शन या पार्टी हो दारू पीने बैठ जाते हैं। अब क्या बताऊं सर, तुमसे बोलकर भी कोई फायदा नहीं। अरे कोई बात नहीं, ये तो हमेशा होता है। अरे मुझे तो हमेशा इनकी वजह से सुननी पड़ती। छोड़ना, वो चला गया। अरे सुनना यार, मैं दो पैग मार के आता हूँ। हाँ ठीक है, तू जा, पर ज्यादा मत पीना। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। अरे गुड़ी मेरी सपने में मिलती है, अरे सारा दिन घूमते में बंद पुड़िया से अखियों में खुलती है, सपने में मिलती है गुड़ी मेरी, सपने में मिलती है, सपने में मिलती है गुड़ी मेरी, सपने में मिलती है। मास्टर, हे स्टेला, इसके साथ डांस करोगी? नहीं मास्टर, आज मुझे श्रीधर के घर जाना है। डांसर टीम है। ओ वो टीम। I'm the hottest girl around. I reach show spit flow, see you twirl around. Don't mistake it, I'ma make it. I'm determined now. Better bounce, I'm in the house and it's burning down. I don't care what you heard, I don't care what you know. Listen to this girl, as she's tearing the flow. I'm raring to go, we're preparing for shows. You yap that I'm wild, but you're there in the road. अरे ये भी कोई टीम है क्या? ए, पता नहीं लाइट कब तक आएगी। लगता है फ्यूज उड़ गया। अरे कहाँ गई टीम? मुझे क्या पता। अरे सुनो, कहाँ चली गई लड़कियाँ? मुझे क्या पता? तू जानता नहीं है क्या? कौन है वो? मीरा की कजिन है। तू जानता है क्या उसे? हाँ, अपनी ही पठालियन की टीम। हाँ, हाँ। एक मिनट, इधर इधर। अरे आना यार, मैं भी आता। अभी नहीं, क्या हो गया? बहुत ही मजा आ रहा है सच में। क्या यार, अब ये लोग भी डांस करेंगे? ठीक ठीक है, कुछ नहीं कर रहा यार, कुछ नहीं होगा, मैंने बोला। तोड़ दिया मेरा पिछवाड़ा, तोड़ दिया तुम दोनों ने। अबे ये कर क्या रहा है? लगता है ये पागल हो गया यार। इस तरह ये लड़कियों के पीछे क्यों भाग रहा है? कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रहा है ये। अरे कुछ भी नखरे दिखाने, तो मार तो मुझे पड़ी है ना। अरे उसने ऐसा क्या किया तेरे साथ? अरे मेरी तो लाल हो गई ना। तुम लोगों को शर्म नहीं आती क्या? तुम लोग जैसे कह रहे हो मास्टर वैसे नहीं है।
अरे छोड़ो, इन्हें क्यों समझा रही हो, चलो आओ। क्या तुम भी इधर, मेरा पिछवाड़ा लाल हो गया, ये खुद लाल होकर जा रही है। चुपचाप देखना। ए सुनो रे। हाँ बोल। तुम लोगों की टीम एक्रोबैट्स है क्या? हम लोग एक्रोबैट्स ही हैं। मोस्टली देखा जाए तो हम लोग कुछ भी करते हैं, इसमें तेरा क्या जाता है? क्या बात है बेवकूफ, हमें कॉपी करने का है क्या? ए बेकार की बातें करना बंद कर, कॉपी करने वाले तेरी टीम में होंगे, हमारी टीम में नहीं। क्या करके अपना काम धंधा करो, समझे? देख लो। अरे जाना, तेरी धमकी से डरने वाले नहीं है। अबे तेरी धमकी की वजह से डर के भाग जाएंगे क्या हम? अच्छा। अबे सुन, पहले ही मोम की तरह दिख रहा है, बेकार में मेरे से हड्डियां मत तोड़ो, अपने चलेंगे नहीं यहां से। सुन, इनसे हाथापाई मत कर, ये सब मेरे दोस्त हैं। हाँ तो ये मारेंगे तो हम लोग मार खाएंगे क्या? हम इसको ऐसे छोड़ेंगे नहीं। हाँ जानता हूँ, ऐसे चला क्यों आ रहा है, चल निकल यहाँ से, चल निकल यहाँ से, चल निकल, अबे निकलना, निकल निकल निकल, छोड़ेंगे नहीं तुम लोगों को। झगड़े पे ध्यान मत दे, डांस पे ध्यान दे, समझा ना, और हमारी कॉपी मत करना। अरे हम लोग कॉपी नहीं करते, स्टेज पर दिखाएंगे तुझे। हाँ देख लूंगा, आ जाना। ठीक है, अरे चल चल, बड़े नाइस चलता है। आप लोग जो बोल रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अभी जो हालात हैं उसके मुताबिक आप लोगों को भी मेरी बात सुननी होगी। कब से आप ही की बात सुन रहे हैं? आप ये क्या बात कर रहे हैं मेले सर? कोची में हुए एनुअल डे के दिन से ही डांस इसका हिस्सा बन गया है, और डांस को लेकर लोगों में उत्साह बढ़ गया है, और अचानक आज आप ये बात कह रहे हैं कि डांस कॉम्पिटिशन नहीं हो सकता, तो हम इस बात पर कैसे भरोसा करें, आप ही बताइए। वोटिंग के टाइम पे तो आप भरोसा करने की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और अब हमें गड्ढे में ढकेल रहे हैं, सही कहा ना? साइलेंस। आप लोगों का गुस्सा मैं समझ सकता हूँ। समझ में आ गया। एक्चुअली स्टेला, यू हैव ऑलरेडी सेड दिस। स्टेला दीदी, कल ही बोला था ना, तुम गई नहीं, वो लोग चले गए, तो अब क्या करें? ओह जीसस। देखिए सर, महालक्ष्मी आ गया। आओ बेटा आओ, बैठो। अरे उसको आने दो। क्या पियोगे बताओ? अरे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा बताओ, मेरा कमीशन? नंबोदरी ने 50% कमीशन की बात की है। इसमें कोई अड़चन नहीं है, वैसे हम लोग काम पर ध्यान देते हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। तो फिर कितने किलोमीटर तक टाइल्स को लगाना पड़ेगा? देखो हम लोग 3 साल के लिए हाथ डालते रहेंगे, एक साइड में तोड़ेंगे, एक साइड में बनाएंगे। ठीक है सर, हम करेंगे। वैसे कुछ लोग और भी हैं। कौन है सर? और अभी तो कुछ लोग भड़काने में भी लग गए हैं। मैं जो बोलना चाह रहा हूँ कुछ और नहीं, फोर कोच्चि टूरिस्ट की अच्छी जगह है, वहाँ 2 कलर की टाइल्स लगानी होगी। पर सर वो कैसे होगा? अरे करना ही पड़ेगा, नहीं तो देखो भाई, वहाँ के लड़के हैं ना, एमएलए वेमएलए नहीं देखते, सर पर चढ़ जाएंगे। करेंगे सर, जैसा आप कहेंगे। करना है? हेलो, जाओ जाओ। सुनो बेटा। हाँ क्या हुआ पापा? बोलिए। बेटी कल हमें बैंक चलना होगा। किस लिए? अरे जब जरूरी बात करता हूँ तो बोलिए। तुम्हारी शादी के लिए मैंने एक एफडी कराई थी, वो अब मैच्योर हो गई है, इसलिए तुम भी मेरे साथ चलो। आप अचानक शादी की बात क्यों कर रहे हैं? बेटा तुम माँ के बिना पली बड़ी बच्ची, जब बेटी बड़ी हो जाती है तो उसके भविष्य के बारे में सोचना बाप का कर्तव्य है। You know what I mean? अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। ये क्या है पापा, एक टीचर की तरह बात कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, एक अच्छा रिश्ता आया है। He's an IPS officer, ऊपर से अपने ही गांव का है। हाँ कोलम का है क्या? You got my point. I like that. वैसे तुम्हारा डांस कैसा चल रहा है? Going good पापा, पर आपको बार बार मेरे लिए इस तरह टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फिलहाल इस बारे में बात नहीं करते। कोई अफेयर और समथिंग? नथिंग लाइक दैट। फिर तो मेरी बात मानोगी ना? श्योर पापा। ठीक है, अपने बाल तो ठीक से रखा करो। ये सब मैं संभाल लूंगी, आप फिक्र मत कीजिए। एक बात और बेटा। आप क्या है? अगर किसी से प्यार करने का इरादा है भी तो कैप पहनने वाले से करना। तो फिर मछली से प्यार कर लेती हूँ, ठीक है? क्या मजाक करती हो, उसे आकर देखकर जाने तो दो, तुम्हारा अच्छा फ्यूचर होगा, वो आगे चलकर DIG बनेगा। आपका लेक्चर हो गया, यू मे प्रोसीड। इज दैट? यस। या जोसेफ मास्टर, आप लोग मुझे वोट देने वाले हैं, तो आप लोगों को तकलीफ हो, मैं या सरकार चाहेंगे क्या? फिर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि डांस कंपटीशन नहीं हो सकता? आप गलत समझ रहे हैं, कंपटीशन तो होगा, सरकार इजाजत नहीं दे रही है, बस इतना ही। हाँ, सर और आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग फंड रेडी करके फ्री में यह काम कर लो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। सही बात है ना, कैसा लगा? अच्छा आइडिया है ना एमएलए सर? हाँ बोलो भाई। आप हमें इस डांस को छोड़ के कुछ और करने के लिए कहेंगे ना, तो वो हम नहीं करेंगे। अरे हाँ। और हाँ, टूरिस्ट के नाम पे जो काले धंधे आप कर रहे हैं, वो आपके पीए ने हमें बता दिए हैं।
इसके सामने बोल बोलूं? नहीं नहीं मत बोलना, हम लोग अच्छा फैसला करेंगे। तुम जरा चुप रहो। क्या है गुरुजी, आप इस आदमी के सामने क्यों गिड़गिड़ा रहे हैं? भरोसा रखिए ना मुझ पे, कॉम्पिटिशन हम करवाएंगे, ये राजी हो या ना हो। आप जो खेल रहे हैं ना कोची के लड़कों के साथ, सब पता है, ये मुझे सिखा रहा है। कंपटीशन तो हम लोग करके ही रहेंगे। अरे जाओ भाई जाओ। हाँ हाँ ठीक है, कंपटीशन तो होके ही रहेगा। जाओ ना। एमएलए सर, आज से 10-15 साल पहले कुछ कलाकारों को लेकर मैंने शुरू किया था ये डांस कंपटीशन, और आज भी डैनी जैसे मेरे शिष्य इस कंपटीशन को लेकर डटे हुए हैं। ठीक है, तो हमेशा की तरह कंपटीशन होना चाहिए सर। इसमें पढ़कर आप अपना नाम खराब मत कीजिए, कलाकारों के साथ खिलवाड़ करेंगे तो लोग सबक सिखाएंगे, समझ गए ना? ये पॉलिटिक्स नहीं है, बस इतना समझ लीजिए कि एक पुराना डांसर आपको सलाह देकर जा रहा है। अब मैं चलता हूँ। चलता हूँ मैं। हाँ ठीक है, ओके, मीटिंग खत्म हो गई। सब तो चले गए ना सर? अरे गए हैं तो वापस बुला लेंगे, हमने समझा कर भेजा है, तू नहीं समझ पाता है बेवकूफ। चल। मेरे प्यारे जोसेफ मास्टर, आप एमएलए के पीछे ऐसे क्यों पड़े रहते हैं, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। सही है, बस मैं भी वही पूछ रहा हूँ। चुप बैठो, किसने कहा ऐसे डायलॉग मारने के लिए? गुरुजी आप ऐसा मत बोलिए, वैसे भी मेरी बात कहाँ मानते हैं आप, बाकियों की बात आपको ज्यादा पसंद आती है। अरे तुम लोग आपस में ऐसे झगड़ो मत, सब लोग मिलकर कोशिश करोगे तो डांसिंग कॉम्पिटिशन बड़ी बात थोड़ी है, सब कुछ हो जाएगा यार। तुम्हें समझ में नहीं आता, उसके लिए फंड्स की जरूरत है। गुरुजी हम करेंगे ना, फंड का इंतजाम हो जाएगा। हाँ, तुम्हें तो सब बातें सिंपल ही लगती है, नाम के लिए बोल रहा है, ये तो बस गॉड का नाम लेकर उन्हीं के भरोसे चल रहा है, इसके लिए तो सब कुछ आसान है। तुम लोग मेरे पास आकर डांस सीख रहे हो वो दुनिया को दिखाने के लिए है ना? गुरुजी क्या आप भी बेकार में इस बात को क्यों बढ़ा रहे हैं? सीवियर भाई इनका जवाब मैं दूंगा। गुरुजी बुरा मत मानिएगा, सिर्फ मंदिर मस्जिद या चर्च में जाने से कोई फायदा नहीं होता, बीच बीच में चाय की दुकान, पार्क में, बार में भी जाना पड़ता है, तभी हम अलग अलग इंसानों से मिल पाएंगे। ऐसी जगहों पे हम क्रिकेट फुटबॉल खेलने वाले लोगों से मिलेंगे तो अपनी बात उनके सामने रख पाएंगे, और आपको भी उनसे मिलके बहुत खुशी होगी। मजहब से ज्यादा इंसानों के बीच प्यार होना चाहिए, मजहब के नाम पे इंसानों को बांटना नहीं चाहिए। हर मजहब के हिसाब से हर इंसान अपने तरीके से कोई ना कोई पूजा पाठ करते ही है, तो उन्हें करने दीजिए ना। ऐसा नहीं है कि मैं नास्तिक हूं, लेकिन यही इंसानियत है। सेवियर भाई मैं चलता हूं, अब यहां रुक के क्या फायदा, उस एमएलए को तो सबक सिखाना ही होगा। और रही बात कंपटीशन की, उसमें तो हम भाग लेंगे ही, विद यू विदाउट कोऑपरेशन, अगर आपका साथ रहा तो बहुत अच्छा रहे। गुरुजी मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, दिल ने कहा इसलिए बोल रहा हूं, आपके प्रति जो इज्जत है ना वो मरने के बाद भी कम नहीं होगी। परेशान क्यों कर रहे हैं? मैं जानता हूँ सेवियर, वो बहुत अच्छे दिल का है, लेकिन प्रोफेशनल मामले में हम दोनों में ये छोटा सा भेदभाव है, अच्छा इंसान है वो, बहुत भाव किस्म का। 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
मास्टर लिसन, मुझे एक 1000 स्टेप का आइडिया आया है। बोलो। एमएलए को हम एक बढ़िया सबक सिखा सकते हैं, बहुत मजा आएगा। मेरी प्यारी स्टेला, अब तकलीफ मत दो प्लीज, चुपचाप प्रैक्टिस करो ना, बढ़िया ही आइडिया देने वाली। चलो गाइस, रेडी हो तो आ जाओ। मास्टर एक डाउट है मुझे, सच में कॉम्पिटिशन होगा या बस दिखा रहे हैं? अरे देखो रवि ना, अपनी उम्र के हिसाब से बातें किया करो, समझी? सब लोग कान खोल के सुनो, इस कंपटीशन के बारे में किसी को भी डाउट करने की जरूरत नहीं है। हाँ। ये डांस होगा और ये कंपटीशन भी होगा। हाँ। हर साल की तरह इस बार भी तुम लोग बस अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दो, बाकी मैं देख लूंगा। हाँ। वो सब जाने दो मास्टर, इस बार भी लीड में डांस मैं ही करूंगी, बाकी सब। हेलो हेलो हेलो, इस बार हम दूसरी लड़की के बारे में सोच रहे हैं। अच्छा, तो उसके साथ नाचेगा स्टेला? देखो तुम नई नहीं हो, मैं जानता हूँ तुम अलग लेवल का परफॉर्मेंस दोगी। काय का अलग लेवल, ये तो रोज के जैसा ही है। नहीं, इस बार जो हम करने वाले हैं वो हीरोइन ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट है। मास्टर आपको कॉन्सेप्ट क्या है वो बताइए। स्टेला दीदी, मास्टर को बोलने दीजिए ना। अरे मैं भी तो वही पूछ रही हूँ ना। स्टेला मेरी बात तो सुनो। हाँ बोलो। किसी की हीरोइन होना वो एक फील है, उसी फील को महसूस करना है। वो मेरी ड्रीम गर्ल है, हल्की बारिश हो रही है, वो एक परी है, हम दोनों प्रेमी प्रेमिका। वो खूबसूरती है, वो एक बटरफ्लाई है, वो एकदम कश्मीर के एप्पल की तरह है। वो
वो समंदर है। मैं बताता हूँ। ओके ओके गाइस, यू कंटिन्यू प्रैक्टिस। समीर हाँ इधर आ। क्या हुआ? सुन तू उधर जा। आउट हो गया। निकल यहाँ से। सुन तू मुझे बचा लेना यार, तू ही बचा सकता है, मैं जानता हूँ। अरे ये नहीं हो सकता, वो मिलिट्री खानदान से। अरे मिलिट्री हो या आर्मी की बटालियन, मैं पीछे नहीं हट सकता हूँ यार। भगवान, अरे नहीं हो सकता यार। सुनना, मैं बिया पिला दूंगा तुझे। क्या सच में? हाँ, अरे मैं सच बोल रहा हूँ, 5 स्टार में बिठा के। तो फिर चल। अरे नहीं, पहले ये प्रैक्टिस तो खत्म कर। ए, तू मुझे धोखा मत देना, तूने जैसा बोला है वैसा करना ही होगा। अरे डर मत यार, चला जा। तू यहाँ क्या कर रहा है? समीर तू यहाँ कैसे? चल निकल। तू रुकना डंबर, बिना मतलब के झगड़ा मत बढ़ा यार। ये मेरे बुलाने से आया, ये हमारी टीम में है। देख दोस्त, हमारे बीच में बहुत झगड़ा हो चुका है, वो सब उस दिन खत्म हो गया। अभी मैं डांस मास्टर की टीम में डांस करने के लिए आया हूँ, हमारे बीच में झगड़ा नहीं होगा। अरे वो मैं मानता हूँ, लेकिन यहाँ डांस सीख कर बाहर कॉपी मत करना। ऐसा कुछ नहीं यार, प्रमोद तू जाके प्रैक्टिस कर। हाँ ठीक है चल। डंबर पूरी बात समझ में आ गई ना तेरे, हमेशा लड़ता है। चल चलते हैं, हम बियर पीते। सुनना यार, वो उससे बाद में देख लेंगे। सुनना जैसा तुम सोच रहे हो वैसे डांस प्रोफेशन की नहीं हूँ मैं, और भरतनाट्यम बेली डांस ये सब मैं बॉडी फिटनेस के लिए करती हूँ। नहीं अगर तुम्हारे पापा कुछ कहें तो। एक्सक्यूज मी, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो कि पापा मना करेंगे? अरे गुस्सा मत हो, मैं तुम्हारे पापा के बारे में कुछ गलत नहीं सोच रहा हूँ। सी मेरे पापा मेरी हर एक बात मानते हैं और मैं भी उनकी हर बात मानती हूँ। मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा, एक्चुअली मेरा तुम टैलेंट के साथ में बहुत खूबसूरत भी हो, और यही मेरे डांस की थीम भी है। मेरा बस तुम्हें इसमें पार्टिसिपेट करना है, हम डिफरेंट टाइप का डांस करेंगे। आई एम सो सॉरी, आई रियली वांट टू हेल्प यू, बट गलत मत समझना, तुम अगर किसी और को देख लोगे तो अच्छा रहेगा। कुछ और नहीं कहना, तो मेरी क्लास स्टार्ट होने वाली है। सी यू लेटर, नाइस टू मीट यू डैनी। मीरा मैंने जो कुछ भी कहा उस बारे में एक बार सोचना तुम। अरे बाय समीर। बाय। मैंने बोला था ना वो नहीं मानेगी, वही हुआ ना। चल तू चिंता मत कर यार, देखना वो जरूर आएगी। ठीक है फिर तो, बहुत कॉन्फिडेंट हो ना। हाँ अच्छा सुन, हाँ देखा ना उसने मुझे किस नाम से बोला? हाँ देखा मैंने। अबे वो नहीं यार, डैन। डैन ही बोला ना, डॉन नहीं ना बोला ना। अभी डैन ही हूँ ना, बाद में डार्लिंग बन जाऊंगा, तू देखते रहना। कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, लेकिन ये होने वाला नहीं है। हो जाएगा ना, समझो? हो गया। डैनी को क्या समझती हो तुम? मास्टर कमाल करने वाले हैं। तुम यहाँ क्यों आई हो, सिगरेट पीनी है क्या? तुम लोगों को सीन सिलेक्शन में क्या राय देना समझ नहीं आ रहा ना, इसीलिए सिगरेट पीने आ गए। सब समझ में आ रहा है मुझे। क्या है? वो मीरा जिस दिन शादी में गई थी ना, उसी दिन से ये बीमारी शुरू हो गई है स्टेला की। डेंजरस, बहुत ही कातिल डांसर है वो। ये जो बोल रही है इसकी बातों में मत आना। सोच रहा था स्टेला ही हमारे टीम में बहुत बड़ी डांसर है, जब से वो आई है इसने सर पे बिठा के रखा है। बड़ा पाव जैसी, बहुत भाव दिखाती है। ये स्टेला अंदर से जल रही है ना, तभी तो आएगा मजा। काहे का मजा, डैनी के दोस्त को बड़े हल्के में लेते हैं। मीरा को इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना है, इसी में स्टेला का घमंड टूट जाएगा।
मीरा। हाँ? कॉन्ग्रेट्स। ये गिफ्ट किस लिए है? वैसे मैं जीती नहीं ना। तुम जानबूझ के हारी। नो नेवर, शी इज अ ग्रेट डांसर। तुमने देखा ना कितने कमाल के मूव करती है मीरा? वो आई एम द मास्टर, मुझसे झूठ मत बोलो। मीरा। हाँ? हे तुमने देखा ना वो कितनी खुश है, अब से स्टेला मेरी फ्रेंड है। मीरा चलो हम प्रैक्टिस करते हैं। ओके, तुम नहीं आ रहे? आता हूँ। अरे नहीं यार, इस वक्त ठीक नहीं रहेगा, वैसे भी काफी रात हो चुकी है, क्या पता सो गई हो। अरे स्टेप को संभालो। कम से कम रात में तो ये चश्मा मत पहना करो। अरे बदल दिया ना, सुबह हरा था अभी ब्लू है, देखा नहीं क्या? आई एम माइकल माइंड, आई एम ऑलवेज ग्लास ऑन द आइस। और वैसे ये सुबह से मोबाइल में गेम खेल रहा था, मैंने फोन को छुपाया, फिर भी फोन को ढूंढ निकाल कर पबजी खेल रहा था, और क्या कह रहा था, डांटोगे तो मर जाऊंगा, सुसाइड कर लूंगा। है देखो माइंड टू माइंड, मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आ रहा हूँ, लो पकड़ो इसे, मैं जा रहा हूँ, मुझे बहुत काम है, ऐसे खाली नहीं बैठा हूँ मैं। ए राजा, किस लिए ऐसा कर रहा है यार तू? अरे चाचा जी, ये डैडी ऐसे ही बेकार में। सुन, ये बहुत बड़ा एडिक्शन है, हमेशा तू ये क्या खेलता रहता है, पबजी? मत खेला कर यार, मैं कभी कभी खेलने वाला एडिक्ट हो जाता हूँ, तू तो हमेशा इस पे लगा रहता है, ज्यादा खेलेगा तो पागल खाने चला जाएगा। नहीं मैंने छोड़ दिया डैडी, तो बेकार में ऐसे छोड़ दिया तो तेरे और मेरे लिए सबके लिए अच्छा होगा। अब चल कोई बात नहीं, रात हो गई, जाके सो जा। हाँ ठीक है, गुड नाइट। ठीक है, गुड नाइट। अगर ये सोई नहीं होगी तो व्हाट्सएप पे ऑनलाइन होगी। ऑनलाइन है यार, मैसेज करके देखूं क्या इसे। हाँ करता हूँ। अगर ये मैसेज पढ़ नहीं रही है तो इसने रिप्लाई क्यों किया? कहीं किसी और के साथ तो नहीं बिजी? अभी मैं काम करता हूं, जाके सो जाता हूं, कल तो रिप्लाई करेगी। एक्सक्यूज मी। यस मैम। ग्रेट फिश, इट वाज एक्सेलेंट। थैंक यू। रियली श्योर? माय कुकिंग वर्ल्ड फेमस इन फोटोचिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। बाय। थैंक यू। वेल ये तो ज्यादा पैसे हैं। मैडम बैलेंस। हे कीप द चेंज। क्या बात है? अबे देखो निठल्लो कहीं के, 1000 रुपीज, 300 रुपए कुकिंग चार्ज और 700 रुपए टिप्स। यार करी भी मछली कड़ी का 1000 रुपए? यहाँ आमतौर पे लोग मुझे मछली खरीद के बनाने के लिए देते हैं और फिर मैं उनकी मछली बनाता हूँ, पर ये तो मेरी खुद की मछली है। अच्छा, खुद की ज्यादा तारीफ मत कर यार, बस बहुत हो गया। तो अच्छा अब जलन हो रही है भाई। अरे उसका क्या होगा, मेरे मैसेज का रिप्लाई तक नहीं दिया, उसे क्यों नहीं दिया होगा? उसने तेरे मैसेज को देखा क्या? अरे दो टिक दिखाई दे रहा है, ब्लू टिक नहीं हुआ। सुनना यार, अगर तेरे मैसेज को देखकर वो रिप्लाई नहीं दे रही है तो वो तेरा इम्तिहान लेना चाहती है। अरे बकवास बनकर, वो इससे प्यार करती है, तेरे से नहीं। अभी मुझसे प्यार नहीं करती है लेकिन करने लगेगी। अरे घंटा करेगी। अरे यार ये प्यार व्यार कुछ नहीं, बीमारी होती है बस। सुन यार, ये जो प्यार तेरे दिल में पैदा हुआ है ना, उसे सीधे अमरावती जंक्शन में जाकर स्टेशन पर लाइन में खड़े होकर ट्रेन के आते ही उसे धक्का दे दो। ये हुई ना बात। दो पैक मार के बाइक चलाते हुए पुलिस के रोकने पर बिना रुके अपने घर जाकर सो जाना, इसी को कहते हैं प्यार की फीलिंग। एकदम करेक्ट। अरे पुलिस के हाथों पकड़े गए तो पूरी फीलिंग खत्म हो जाएगी, एक्सपीरियंस है मुझे। अरे पुलिस तो मेरी जेब में रहती है, फिर प्रॉब्लम नहीं। गाइस क्या हुआ? ए बाहर निकल। आजा। अबे हटना। हे सुन, पहले क्या हुआ ये तो बताना यार। वो ठीक नहीं होगा यार, मैंने मेजर को फोन करके पूछा भी, वो आदमी कोलम में रहने वाले किसी एसआई ऑफिसर के साथ रिश्ता जोड़ने के सिलसिले में बिजी है, कोई फायदा नहीं है। डैनी तूने सुन लिया ना, अपने दिल को संभाल यार। अरे यार तू दिल छोटा मत कर, छोड़ ना उस लड़की को। हाँ यार। अबे तू जाना यहाँ से। एक काम कर, सोच कर दे, तूने इसकी लाइन फिट की ना, बाद में क्या हुआ, वो इसे छोड़कर चली गई ना, मैंने मना किया था, तूने माना ही नहीं। अरे छोड़ो यार, अगर बात करने के लिए चांस मिला होता तो मैंने ठीक कर दिया होता। अरे यार मैं एक अनाथ हूँ, मेरा सहारा तुम ही लोग तो हो, क्या मैं झूठ कह रहा हूँ? नहीं, सॉरी यार।
क्या है ये सब? उन लोगों को बोला था कि ये पेड़ नहीं निकाल सकते हो, लेकिन सुनते ही नहीं है। तो फिर इसीलिए एमएलए को बुलाया है। तो आने तो दो उनको। हमारे पास यही मौका है, छोड़ेंगे नहीं उन लोगों को। हमारे कॉम्पिटिशन को बिगाड़ दिया नालायक कहीं के। देखो मेरी बात सुनो, इसे रिवेंज ऑप्शन समझने की कोशिश मत करो, समझ गए ना? निष्पक्ष होकर मैं इस पेड़ और पर्यावरण की रक्षा के लिए कभी भी कहीं भी तुम्हारे लिए खड़ा रहूंगा। इससे ज्यादा कुछ उम्मीद मत करना, ठीक है? अबे तू क्यों उछल रहा है? सर यहाँ के पेड़ काटने पर यहाँ के लोगों के जीवन पर असर पड़ेगा सर। बेटी तुम गलत समझ रही हो, तुमने पेड़ को क्या समझ रखा है? ये सब किस लिए कर रहे हैं बताइए। सुनो, एर्नाकुलम में जैसा स्टेडियम है यहाँ भी वैसा नहीं चाहिए क्या? आने वाली पीढ़ी के लिए वो जरूरी है। समझ गया सर, यहाँ जो 100 साल पुराने पेड़ हैं, ऐसे 13 पेड़ आप इस पार्क से काटने जा रहे हैं। ये कहाँ से बीच में आ गया? सर एक बात पता है आपको, 100-150 ऐसे पेड़ जो 100 साल से पुराने हैं उन्हें इस शहर से काटा गया सर, उसके बाद वहाँ मेट्रो स्टेशन बनाया गया। अगर पेड़ नहीं कटते तो तुम मेट्रो में सफर करते क्या? सर ने बिल्कुल सही बोला। तू चुप रहे। सर ये एर्नाकुलम नहीं है, समझ गए ना? अरे एर्नाकुलम जैसा ये नहीं है, वरना ऐसे बोर्ड लगकर ये खड़ी होती। तो फिर हम इसे दिखाएंगे सर। गलत समझ लेंगे। ये जानबूझकर कर रहे हैं क्या? सर ये कुछ अलग है। तो क्या है? एक्टिविस्ट, एक्टिविस्ट। ओह मेरे प्यारे एक्टिविस्ट, हमें भी जीने दीजिए। एमएलए सर, क्या है बोलो? जरा उस ग्राउंड को देखिए। वो तो मैं भी देख रहा हूँ। Under-17 फीफा वर्ल्ड कप के नाम से ये ग्राउंड बनाया गया। वहाँ एक बेली ग्राउंड है, उस पे करोड़ों रुपए खर्च किए गए, हर महीने मेंटेनेंस के लिए भी पैसे आते होंगे, लेकिन आजकल उस पे बच्चे ढंग से खेल भी नहीं पाते हैं। पहले आप उसे ही ठीक करवा दीजिए, उसके बाद ही स्टेडियम बनवाइएगा। हाँ ठीक करके दूंगा। सर यहाँ जो पेड़ दिख रहे हैं ना, उसमें से एक डाल भी अगर आप काटेंगे तो पहले आपको मुझे काटना होगा सर। एमएलए सर, आपने घोड़े को छुआ ना तो छोड़ेंगे नहीं आपको। लुक मिस्टर सेवियर, आप जैसा सोच रहे हैं मैं भी पेड़ काटने वालों का साथ नहीं दूंगा। मैं तो आपके जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की इच्छा रखता हूँ, बस इतना ही। सर ये जो आप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, हाँ? उसका हम पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओ ऐसी बात है, उसे हम बिना पेड़ काटे भी बनवा सकते हैं। एमएलए सर आप अपना नाटक बंद करिए, ये आपके पेड़ काटने की एक नई तरकीब है, और पेड़ काटने से डेवलपमेंट नहीं होता है, समझे ना आप? यहाँ की तरक्की के बारे में सोचिए, और हाँ आपके बारे में हम सब जानते हैं। फिलहाल के लिए आपको इन्हें संभालना होगा। यहाँ पर अभी बहुत प्रॉब्लम है, आप लोगों का विचार जानने के बाद मैंने अपना पेड़ काटने वाला प्लान बदल दिया है। अभी कुछ होना लेकिन जनता की तरक्की के लिए और देश की तरक्की के लिए मैं आगे बढ़ता रहूंगा, चलता हूँ। सबने सुन लिया, सबको नमस्कार। चलो 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 चलो। सर इस युद्ध संगठन के साथ आपका क्या भेदभाव है? मेरी बात सुनो मेरी प्यारी रिपोर्टर, मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दो, मैं जरा उस संगठन के लोगों से थोड़ी देर अकेले में कुछ बातें कर लूं। सुनो बेटा यहाँ पर आओ। चलो अच्छा हुआ पेड़ नहीं, हम पेड़ नहीं कटेंगे। हाँ, सही कहा। सुनो नौजवान, गरम खून मुसीबत खड़ी करता है, मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम हमेशा याद रखोगे। उससे पहले आपको सबक सिखाऊंगा, देख लेना। तो फिर ठीक है, हम बाद में मिलते हैं। गाड़ी तो यहाँ पर है, चलो 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 जल्दी चलो चलो। इस शहर में जितने भी लोग रहते हैं उनकी तकलीफ क्या है? जमीन, फ्लैट चाहिए, फ्लैट को तोड़ना या जमीन को खराब करना, यही तो चल रहा है। सरकार ध्यान भी नहीं दे रही, यहाँ रोड खराब हो जाती है ना तो उसके गड्ढे तक नहीं भरते हैं। और हाँ लगातार 2 घंटे बारिश हो गई ना तो हमारा पूरा शहर झील में तब्दील हो जाता है। लेकिन हमारे एमएलए साहब इसकी तरक्की की बात करते हैं। सब लोग सुन लीजिए, ये बस एक दिखावा है, लोग हमारे सामने नाटक करते हैं। आप लोगों को क्या लगता है ये सारे वादे पूरे हो जाएंगे? कभी नहीं होंगे। यहाँ के प्रशासन की कमी के बारे में आजकल के युवा खुलकर अपनी बात को रख रहे हैं, और मंत्री जी से अनुरोध कर रहे हैं कि इनको भी जल्दी है। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार, लेकिन ऐसे सुकून से बातें करने का वक्त नहीं है। मुझे बताओ वहाँ क्या उखाड़ रहे हो? नहीं सर ये सब मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, आप इस बात को मत भूलिएगा। क्यों आप हम लोगों को इस तरह आपस में लड़ा रहे हैं सर? अरे विल्सन तुम अपना भाषण शुरू मत करो। नहीं सर मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ। उस नौजवान लड़के के काम में टांग अड़ाई है तुमने, यही है इस परेशानी की जड़। सर उन लोगों को मैं संभाल लूंगा। सुनो मेरी बात अच्छे से समझ लो, किसी और की तरफ से करो लेकिन अपनी तरफ से करोगे तो फंस जाओगे। मैं अच्छी तरह डील कर लूंगा सर। ठीक है तुम कुछ भी करो लेकिन मुझे तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए, बस याद रखना। थैंक यू सर।
सुनो भाई, बोलिए सर। तुम उस सीएम के पीए को फोन लगाओ। वो क्यों सर? एक राक्षस को बुलाने के लिए, पीछे से वार करने का समय है। सर आपका उद्देश्य डिपार्टमेंट के बारे में क्या है? उन लोगों को कानून के दायरे में सबक सिखाऊंगा। अरे यार, ये हमारा एमएलए राष्ट्रवादी है, आगे हमें बहुत तकलीफ होगी। हम लोग एमएलए की बराबर से बूंगी बजा देंगे, फिर तो कंफर्म तेरी बात लगेगी। तू देख लेना। हे मीरा, आखिर मीरा तुझे ढूंढते हुए आ गई ना। तेरी तो चांदी चांदी है। हाय। हेलो। हाय, काफी दिनों बाद आई हो। वो क्या है ना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, थोड़ी पर्सनल है तो। बोलो ना मीरा। वो आजकल जहाँ भी देखो तुम ही दिखाई देते हो। सच में? हाँ, टीवी में पूरे शहर में तुम ही हीरो हो। अरे नहीं, जबरदस्ती टेलीकास्ट कर रहे हैं सब। सीरियसली एक बात बताऊँ तुम्हें? हाँ। अभी तुम्हारे दिल में क्या है मैं अच्छे से जानती हूँ। हाँ, सच में बताओ ना क्या है। ओके, लिसन। यस, बोलो। देखो, अब मैं जिसे पसंद करती हूँ उससे थोड़ा तो एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। ओके। जैसे वो पुराने गानों को पसंद करने वाला हो सकता है, या हो सकता है उसे स्ट्रीट फूड बहुत पसंद हो, या फिर वो सिंपल ड्रेस पहनने वाला लड़का हो सकता है। ड्रेस सिंपल ही तो। और वो एक बहुत अच्छा डांसर होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और क्या होना चाहिए? पानी में भिगो भिगो के मार रही है। हाँ, और उसे बहुत फेमस होना चाहिए। वो तो मैं हूँ। ये भी जरूरी नहीं है। अच्छा, तो फिर हम प्रैक्टिस करने चले क्या? मीरा तुम जाओ, मैं आता हूँ। नहीं, नहीं, तुम भी आओ ना। नहीं नहीं, तुम जाओ। ओके ओके। Your order? One bloody Mary with an extra shot of large vodka. Okay, sir. Get me the manager. क्या हो गया सर? Get me the bloody manager, bro. Okay, sir. Yes. आप यहाँ के owner हैं क्या? हाँ। इधर आना। मुझे आपसे personally एक बात बोलनी है। ये क्या कह रहे हो भाई? यहाँ खड़े होने के लिए समय नहीं है और तुम personal बात करना चाहते हो? पहले मेरी बात तो सुन लो, बाद में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अरे भाई, काफी देर से बकबक कर रहे हो तुम, क्या बात है बोलो? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। देखो देखो ना, यही परेशानी है। तुम्हें क्या चाहिए बोलो? बताता हूँ, इन दोनों में से एक को देखो, कौन सा ओके लग रहा है? देखो, तुम मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो तो सुन लो, ज्यादा शो ऑफ मत करो, ये बहुत ही पुरानी और नामचीन जगह है। देखो भाई, ये फोटो का खेल है ना, मेरे सामने खेलने की कोशिश मत करो वरना तुम्हारी लाश कोच्ची के समंदर में मिलेगी। ये जगह खाली करो, बड़ा आया मुझे ब्लैकमेल करने वाला, चल निकल यहाँ से। मेरे प्यारे सर, मुझे माफ कर दीजिए। कीप द चेंज। इसका वीडियो और इसकी ब्लैकमेलिंग। अरे रमन सर, हाँ? अचानक रेड क्यों? मैं कुछ नहीं जानता हूँ। देखो बाहर एसीपी सर है। हाँ? अब भी ड्यूटी ज्वाइन किए हैं और आते ही देखो रेड मार दी। अरे रे। अरे आप जाकर एसीपी सर से बात तो कीजिए। जाओ जाओ, जाओ। आप उधर जाओ। अरे तुम उधर जाओ सर। और तुम उधर जाओ ना, और मैं किधर जाऊँ? सर
सर आप एसीपी हैं? हाँ बिल्कुल हूँ मैं, एसीपी ईश्वरदास। सर अनजाने में मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। तुम्हारा बर्ताव ऐसा तो नहीं था तभी? अरे सर उस समय अनजाने में ऐसा बर्ताव हो गया सर। आइए सर अंदर बैठते हैं। सर शक के दायरे में कुछ हो ऐसा तो कुछ भी नहीं मिला सर। ऐसा है क्या? हाँ। तुमने इसके बर्ताव को नहीं देखा क्या? हाँ। जब हम अंदर जाते हैं तो हमें ऐसा क्या मिल जाता? कुछ नहीं मिलता, सही कह रहा हूँ ना मैं? सर एमएलए साहब मेरे रिश्तेदार लगते हैं। हाँ। अरे एमएलए के चमचे, तेरा यहाँ के सेटअप का पूरा काम जानता हूँ मैं, तो मुझे सिखाने की कोशिश मत करना। सर हम लोग अंदर बैठ कर बात करें सर। हाँ इधर आओ सर। नाम क्या है तुम्हारा? सर कुसुम। खूबसूरत है, ऑफिस में मिलोगी क्या? यस सर। आइए सर, उस आईपीएस को छोड़ेंगे नहीं सर, उसने आपकी इज्जत मिट्टी में मिला दी। कहो यहाँ से चला जाए, मुझसे दुश्मनी करने की कोशिश ना करे। हाँ ठीक है सर। अरे बाप रे, यहाँ खूबसूरत पुलिस वाली भी केस संभाल रही है, इससे संभाल कर रहना। हेलो, ये सर मेरी छाती पर घोड़ा चलाने के लिए मैंने तुमको यहाँ थोड़ी बुलाया है। क्या हुआ, क्या हो गया आपको? देखो कल तुमने जिस कॉफी डे में रेड मारी थी ना वो मेरा ही है। ऊपर से वहाँ हाई प्रोफाइल के कस्टमर्स भी आते हैं। तुम और तुम्हारे पुलिस वाले वहाँ पर गए थे मुझे बदनाम करने के लिए क्या? मेरे प्यारे सर ऐसे बेकार में रेड नहीं कर रहा हूँ, वहाँ जो हो रहा है ना वो इमोरल ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मतलब जैसा ये बोल रहे हैं वैसा एक नंबर का हाई प्रोफाइल मर्दों का धंधा चल रहा है। मर्दों का धंधा? ये एकदम झूठ है। सच बोल रहा हूँ सर, सुना नहीं क्या आपने एस्कॉर्ट वर्सेस कॉल बॉयज के बारे में? हाई प्रोफाइल औरतों के पास उन लोगों को बेचना ही अगर बोला जाए तो, नहीं इंटरनेट भाषा में बोला जाए तो, Aunt is looking for call boys, यही है। अरे क्या बात कर रहे हो यार, आखिर वो सब भी तो औरतें हैं ना। इसलिए सर इसमें आपका नाम नहीं जोड़ा है। एक हिसाब से रिश्वत लेकर ये लोग कर रहे हैं सर। सर मैं इस वक्त ड्यूटी पर हूँ इसलिए आपके साथ इज्जत से पेश आ रहा हूँ। अरे तुम कुछ भी मांग सकते हो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, प्लीज चलो यहाँ से। चलिए सर। अरे क्या हो गया? अरे क्या हुआ, अंदर क्यों बैठा है तू? अरे क्या हो गया सर, मैं भी अंदर जाना है क्या? ठीक है चलो निकलो यहाँ से। सर किस लिए हमारे बच्चों को लेकर जा रहे हैं? अरे ये नार्कोटिक्स का केस है, तुम्हारे बेटे के गैंग में रहने वाले और दो लोगों को भी उठाए। अभी अगर तुम्हें और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो एसीपी ईश्वरदास के ऑफिस में जाकर बात करो, ये रायता सब उसी ने फैलाया है, मैं इतना नहीं जानता। सर मैं कभी कभी वीड लेता हूँ लेकिन नार्कोटिक्स का बिजनेस तो मैं कभी नहीं करता। अरे बोलना, करता हूं? नहीं करता हूं ना। अगर तुम्हें कुछ कहना ही है सर तो कोर्ट में जाकर कहो ना। ए लेकर चलो, ए चल, ए चलो। क्या मुसीबत है, बड़ो। अरे हमने कुछ नहीं किया, चल। ये लोग बेकार में पकड़ कर ले जा रहे हैं झूठा केस लगा कर। अरे नहीं किया कुछ, अरे कुछ नहीं किया, आप समझिए। अरे तुम चिंता मत कर, छोड़ दीजिए सर, मैं तुम लोगों को छुड़वाऊंगा, टेंशन मत ले। ए मुझे नहीं लगता वो ठीक रहेगा, हम कुछ और सोचते हैं ना। हमने हर एक कोशिश करके देख ली है, वो स्टेशन में है, अगर तुम सोचोगे तो इस मामले को हम सुलझा सकते हैं। अरे इतना क्यों सोच रही हो, फोन करो ना प्लीज। अरे सर आप मेरी बात को समझिए तो। क्या नाम है तेरा मिस्टर? सेवियर। सेवियर, अच्छा नाम है। क्या बात है जेवियर, छुड़ा कर ले जाने आए हो या दुश्मनी निभाने? हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, एक कलाकार और उसकी टीम जिन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है उन पर एमएलए के साथ आप मिलकर झूठा केस लगा रहे हैं सर, जरा सोच कर तो देखिए। तो अगर आपको झूठा केस लग रहा है तो कोर्ट में जाकर जमानत ले लेनी चाहिए, पहले जाकर आपको वो करना चाहिए, वो छोड़कर बेकार नहीं है सर। एक रात भी मास्टर और लड़के अंदर नहीं रहेंगे। अरे अरे सर के सामने जुबान मत चलाओ। क्या बात है कुसुम, मासूम है बेचारी, बोलो ना। वो फोन नहीं उठा रहा है। अरे एक और बार फोन करके देखो ना, उठाएगा। जरूरी है क्या? अरे प्लीज लगाओ ना। ए सुनो, इस लड़की को यहाँ से लेकर जाओ। सर से बेकार में। कुसुम रिलैक्स। नहीं सर पर ये कुसुम चिल। हाँ तो मिस्टर सेवियर। हाँ सेवियर, तो फिर सेवियर मामला समझ में आ गया ना, केस बहुत ही स्ट्रांग है,
तुम्हारा वो लड़का है ना डैनी, तो उसकी जगह पर हम लोगों ने जो निकाला है ना उसको कंसाइनमेंट कहा जाता है, समझ गए? मतलब पब्लिक को खतरा पहुंचाने वाला स्टफ। शायद उम्र कैद की सजा भी मिल सकती है। आज ही मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर करेंगे। सही कह रही हो। सही है ना सर? सुन लिया ना, तो फिर बाद में मिलते हैं। गेट आउट। सर, आप और एमएलए डाडी विल्सन मिलकर इन बेगुनाह लड़कों पर झूठा आरोप लगाकर अंदर डाल देंगे तो मैं चूड़ी पहन के घर के अंदर बैठा नहीं रहूंगा, समझ गए? इसमें कोई पुरानी दुश्मनी तो नहीं है ऐसे? बिल्कुल नहीं है सर। सर, आप जैसे आईपीएस ऑफिसर को गुस्सा दिला सकूं, मैं ऐसा इंसान नहीं हूं। ये हुई ना बात। अभी समय 11 बजे है। अच्छा। आज शाम 6 बजे तक इन लड़कों को यहाँ से बाहर निकाल लूंगा। अभी जो बोला ये मुझे पसंद आया, मान लिया। चलो गेट आउट, निकलो यहाँ से। वैसे सर, हम बेकार में क्यों इस मामले में? अरे बेकार में ऐसा क्या काम है कुसुम? हाँ पर दुश्मनी मोल लेना। क्या कुसुम डर गई क्या उस बेचारे आदमी से? अरे मुझे और डर किस बात का, और वो भी आपके होते हुए। सच में? हाँ। चुप करो कुसुम। आप भी चुप रहिए ना सर। सर देखिए। क्या हुआ कुसुम? सर फोन बज रहा है। अरे तो देखो ना कौन है। सर ये कुछ तो मैं मतलब मेरी मीरा। तुम जाओ यहाँ से कुछ। माय डार्लिंग। हाँ बोलो ना, मेरी याद आ रही है क्या? कम ऑन दास, मैं कब से फोन ट्राई कर रही हूँ, तुमने ही फोन नहीं उठाया। सॉरी मेरा फोन साइलेंट पे था ना तो ध्यान नहीं गया। आई नीड अ हेल्प। आई एम एट योर सर्विस मैम, गो अहेड टेल मी। दास तुमने जिस टीम को अरेस्ट किया है ना। अच्छा वो डांस करने वाले लड़के? हाँ वही, मेरा मास्टर, आई मीन डांस मास्टर। एक्चुअली वो मासूम लोग हैं, जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। अरे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, और वो उतना मासूम भी नहीं है, खेल तो हाई लेवल का है। विल यू प्लीज रिलीज देम फॉर मी? डार्लिंग आई एम रियली सॉरी यार, क्यों तुम इस वक्त में इस केस में इस तरह से दखलअंदाजी कर रही हो? प्लीज ऐसा मत करो। लुक दास, मैं जानती हूँ कि वो लोग कभी भी कोई गलत काम नहीं कर सकते हैं। अगर तुम उन लोगों को छोड़ दोगे तो मेरे दिल में तुम्हारी इज्जत और बढ़ जाएगी। It's a humble request. Can you please release them for me? ओह, मेरा सामने वाले को क्या जवाब दूंगा मेरी समझ में नहीं आ रहा है। Okay, think is done. You're so kind. Thank you so much, Das. सिर्फ thank you से ही हो जाता है क्या? तो और क्या? Well, how about a coffee? हाँ, या? Today evening? Next Friday? Next Friday? Oh God, तुम तो मरवा दोगे। We are getting hitched. I need to get know you better. Don't you want to get me as well? It's like I want to be free when I date you. Okay. I'll see you soon then. Okay. Bye. Thank you. Bye. Oof. ये लड़की मौका ही नहीं दे रही। बेवकूफ कहीं के। जो हाथ में आया उसे छोड़ दिया। हाथ में आई हुई चीज को छोड़ता है क्या कोई? हाथ में मिली हुई चीज नहीं है सर, आपने फंसाने की कोशिश की थी ना। ओ ये बड़ी बात है क्या? अरे अरे अरे, उस धारा में जमानत हो जाती है। बेवकूफी करके आया है और तन कर बैठा है। हाँ सर। है सर, मैंने इन लोगों को छोड़ दिया तो इसके लिए इतना गुस्सा कर रहे हो मुझ पे? नहीं तो कब इस्तीफा देकर जाना है बोलिए मुझे। वो इतनी बड़ी है सर। वो क्या है? नेतागिरी। देखो दास, मुझे तुम बेवकूफ मत समझना। मैंने कानून की पढ़ाई भले ना की हो, लेकिन अपनी जरूरत के हिसाब से सब कुछ पता है मुझे। बेकार का डायलॉग मत सुनाओ मुझे। और नहीं तो क्या? देखो, तुम जिस लड़की से शादी करने वाले हो ना, उसके ही कहने पर तुमने उन्हें छोड़ा है, पता है? सर, now you are getting personal. तुमको बुरा लग रहा है ना? अपने आप को समझते क्या हो? बोल रहा है पर्सनली। तुमको यहाँ लाने से ज्यादा आसान है तुमको यहाँ से भेजना, समझे? तुमको मैं सबक सिखा कर रहूंगा। हाँ एमएलए, एक बात याद रख लो, मेरे सामने तड़ाके से बात करने के लिए मैं तुम्हारे हाथ से पगार लेने वाला पीए नहीं हूँ, समझे? सर टेल मी, एक आईपीएस ऑफिसर के साथ कैसे बात करते हैं ये पहले सीख लो। सीख लूंगा। हो सकता है मैं यहाँ तुम्हारी वजह से आया, लेकिन यहाँ से जाने का फैसला ये मेरे मुताबिक। समझ गया। समय आने पर मैं फोन कर दूंगा। तो अभी चलूं एमएलए सर? कुछ मामलों में हम कदम पीछे नहीं हटा सकते, उसमें से एक है फोर्ट कोची में होने वाला कंपटीशन। मेरा कहने का मतलब है इससे लोगों का जुड़ा इमोशनल अटैचमेंट। मैं एसआई से पूछ कर आता हूँ। सर हम लोगों ने पहले भी बहुत समझाया उन्हें, आप कैसे भी करके इस चीज को वापस ले लीजिए ना सर। हिम्मत से काम लीजिए सर। रिक्वेस्ट, आ जाओ।
देखो बेटी बात समझो, इस नशे की एडिक्शन की वजह से घर वालों को देशवासियों को तकलीफ देने वाले ये लोग ऐसे ड्रग्स लेते हैं जिसकी वजह से उन्हें एड्स होता है। ऐसे लोग पुलिस कस्टडी में, कोर्ट में क्या जेल में डालने के भी लायक नहीं है। कभी कभी तो लगता है कि मैं इन लोगों को बम से ही उड़ा दूं, लेकिन कानून को अपने हाथों में नहीं ले सकता। बेटी तुम ही बताओ, मैं एक मामूली सा एसआई हूं, मैं क्या कर सकता हूं बताओ। सर हम बहुत उम्मीद लेकर आए हैं, सर आपको कैसे भी करके हमारी मदद करनी होगी प्लीज। हम लोगों को उनको छूने से भी डर लगता है। मैं एक काम करता हूँ, एक कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करता हूँ। अब वो काम करने वाला आदमी ये है। सर मैं हूँ क्या? चलो। अरे साजी तुम्हारे लिए ऐसा कौन सा काम है जो तुम नहीं कर सकते? अरे उठाओ 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 इन्हें उठाओ। अरे ये क्या कर रहे हैं ये सब? चलो उधर में। अरे जाकर पकड़ो उन्हें। ये तो वही लोग हैं भाई हैं। अरे ड्रग्स स्पेशल वाले यही लोग हैं ना? तेरी तो चप्पल चलो सब सब कंधा डालो। सर आप डरिए मत, इनको छूने से एड्स नहीं होगा। लेकिन तुम लोग कानून अपने हाथों में नहीं ले सकते। आप ले लो काफी है। और आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? अच्छा अरे इसके लिए डैनी उनको यहाँ पर लेकर आया है। शाजी तुम्हारा काम कम हो गया ना? सुनिए सर, इस तरह के लोगों को ताले में बंद करके रखिए, नहीं तो ये बाहर घूमेंगे तो गंदगी ही फैलाएंगे। देखो साजी सर, इन लोगों को अगर कुछ चाहिए तो इनकी मदद करो। देखो इसमें पूरा डेटा है, चेक कर लेना ठीक है। ये लो। अरे किस लिए? जब मैं और डैनी है तो तुम्हें डरने की क्या जरूरत है? थैंक यू। इट्स ओके, चल भाई। यस। After you. Yeah. What can I get for you? कुछ भी चलेगा, it's okay. Pizza? Okay. Chicken pizza. Okay, sir. Strong. All yours. I'll just come back in a second. Okay. बदबू तो नहीं मार रहा है ना? हाथ अभी तक बास मार रहा है। क्या हुआ बे? चाहिए क्या? I was surprised for you. 18 carat uncut diamonds from the mines of Sparrow, made to order for you. Mira, will you marry me? It's one of the most beautiful ride. इस रास्ते से तुम गई हो ना? हाँ। जाने के रास्ते पर ही गोपरन स्मारक पड़ता है। गोपरन स्मारक? नहीं मैंने देखा नहीं है। बहुत मजा आएगा। I'll take you sometime. There is an antique art house, and the main thing is, it's kind of a bit far. दास, can you drop me here? यहाँ पर? हाँ, मेरी एक दोस्त का घर है यहाँ पर। Sure. मैं सोच रहा था हम साथ में मूवी देखने के लिए चलते थे। हम नेक्स्ट टाइम जाएंगे। मेरे सर में भी थोड़ा दर्द हो रहा है। ओके। आगे समय तो मिलेगा ना? हाँ। यहाँ पर रुक दो। हाँ, जस्ट हियर। हाँ। थैंक यू। नो प्रॉब्लम। आई विल सी यू सून। या। बाय। बाय।
Hey, तुम यहाँ? क्या हुआ? Hey, तुमसे कुछ बात करनी थी मुझे. हाँ बोलो, मैं अकेला ही हूँ. Something is wrong, Dan. ऐसा क्या हो गया? ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे अंदर कुछ सवाल उठ रहे हैं. दरअसल, that is the person I'm getting married to. मैं इतने दिनों से उसके साथ टाइम स्पेंड कर रही थी. देखा जाए तो मुझे एक्साइटमेंट होना चाहिए. बट आई वॉज मिसिंग समथिंग एंड आई नो इट्स सो वियर्ड. हाउ वॉज योर डे? या गुड. सच में? या ओके. हे मीरा. हाँ. चिल यार, तुम शायद कुछ बोलना चाहती हो. ए कोई बात नहीं. हे बोलो ना यार. नथिंग, बाय. यस वर्षा, कैसा चल रहा है? अच्छा है सर, वो एक फेक और रोमांटिक स्टोरी है. अरे वो जॉनर छोड़ो, मुझे बताओ फाइनल ड्राफ्ट का क्या हुआ? मैं इतने दिनों तक डांस क्लास में ही थी सर, आधी कहानी तो समझ गई, बाकी कहानी वो लोग आने के बाद बताएंगे ऐसा बोला है. ओके. और वो लोग बहुत ही कमाल का डांस कॉम्पिटिशन प्लान कर रहे हैं सर. वर्षा, मैंने तुम्हें वहाँ डांस क्लास के लिए नहीं भेजा, मैं उसकी अच्छा ही जानता हूँ. कॉन्सेंट्रेट ऑन द स्टोरी. पहले स्टोरी लेकर आओ, बाकी बात. समझ गई सर. ज्यादा समय मत निकालो, प्रोड्यूसर चला गया तो बात बिगड़ जाएगी. तुम जानती हो ना इंडस्ट्री को? जानती हूँ सर. गिव मी टू मोर डेज. ठीक है, काम अच्छे से होने दो, अपडेट मी, बाय. बेटा, तुमसे पूछने के बाद ही मैंने इस रिश्ते की बात आगे बढ़ाई थी, अब ऐसा क्यों? पापा, उसकी वाइब फुल नेगेटिव है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है. ऊपर से वो रिश्वतखोर भी है. ओ, तो रिश्वतखोरी परेशानी है, लोगों ने बेकार में उसका नाम बदनाम कर रखा है. लेकिन मुझे पसंद नहीं है. सुनो तो बेटा, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम जो बोल रही हो उस गलतफहमी को दूर कर सकता हूँ. बात क्या है, थोड़ा खुलकर बोलो. चलो बोलो. यस, मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ. अरे हे भगवान, और कौन है वो लड़का? मास्टर डैनी. किसका नाम लिया? क्यों, पसंद नहीं आया? सच बोलूँ तो बिल्कुल भी नहीं. लेकिन मुझे पसंद है. हेलो. एक चीज तो तुमने मिस कर दी. क्या है? वाइब, वही इम्पोर्टेंट है ना? है. बेटा, यू गॉट ऑल द राइट्स टू टेक अ कॉल ऑन योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, आई रिस्पेक्ट दैट. लेकिन एक आईपीएस ऑफिसर और बेरोजगार लड़कों को डांस सिखाने वाले मास्टर में ऐसा क्या है कि मैं अपनी बेटियों से दे दूं? As a father, आप कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन पापा आपने खुद ही कहा है ना, बच्चों की खुशी ही सबसे बड़ी खुशी है, और हर इंसान को अपनी जिंदगी अपनी पसंद से जीने का हक है. वो सब ठीक है, जब तुम बच्ची थी तुमने जो भी मांगा मैंने तुम्हें दिया, याद है ना? तुम एक बार फिनाइल की बोतल मुझे दिखाकर उसे पीने की जिद कर रही थी. उस दिन अगर तुमने उसे पी लिया होता तो आज जिंदा होती. सी, as your father, I have the right to take the decision on the rights and the wrongs. इस वक्त मैं ऐसी ही सिचुएशन में हूँ, लेकिन उसमें एक छोटा सा फर्क है. उस दिन तुम छोटी थी, अब बड़ी हो गई हो, अब तुम अपने बारे में भला बुरा सोच सकती हो. एक बार तुम उससे बात करो, फैसला बाद में लेंगे. ओके, आई विल कॉल. हाय पापा. एक मिनट रुको. बेटा, ये लो, अपने भाई से बात करो. बेटा, अपनी बहन से बात करो. ठीक है पापा. ए मीरा, ये सब क्या है आखिर? मैं मास्टर को पसंद करती हूँ, और तुम्हारे कुछ भी कहने से मेरा फैसला नहीं बदलेगा, मैं उससे ही शादी करूँगी. लिसन, दिस इज योर लाइफ, तुम फैसला ले सकती हो, बट हियर यू हैव अ चॉइस. कहाँ वो नाचने वाला मास्टर और कहाँ ये आईपीएस ऑफिसर, एक बार सोच के देखो. मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं सोचना है. ओह सी, मैं प्यार के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारा ये फैसला नहीं मान सकता. मीरा, कुछ भी हो, अब इस मामले में दोबारा फोन नहीं करूंगा. ओके ब्रो. मीरा सुनो, एक बात बोलता हूँ, पापा का ख्याल रखने के लिए वहाँ पर कौन है? ऐसा मत करो प्लीज. मीरा सुनो बेटा, जो उसने कहा वही मुझे भी कहना है. हमारी रजामंदी के बिना तुम जा नहीं सकती, बाकी तुम अपनी मर्जी के मुताबिक करो, बिकॉज यू हैव बीन टेकिंग अस फॉर राइट. समझ गई ना? अच्छी बात है, थिंक इट ओवर. मीरा, क्या हुआ?
मुझे तुमसे जो कहना था मैं कह चुकी हूँ। तो फिर चलो आज ही फैसला कर लेते हैं। हाँ, आज ही। क्या जब भी देखो उठाने की बातें करते रहते हो। अरे उठाएंगे नहीं, ऐसा मत बोल, आराम से लेकर आएंगे। तुम सब के सब सच में बिल्कुल एक जैसे, सिचुएशन समझे बिना बस कॉमेडी करते रहते हो। अरे कुछ करने के लिए दिल को थाम कर घूम रहे, और फिर ये कोई सर्कस का काम तो है नहीं। सर्कस का काम भी तो खुल के करेंगे। डैन मुझे पूरा यकीन है कि पापा और मेरे भाई शादी के लिए परमिशन नहीं देंगे। व्हाट नेक्स्ट? मैं अपने पापा का दिल नहीं दुखाना चाहती हूँ। तुम्हारे साथ भागकर शादी की तो जिंदगी भर अफसोस रहेगा। वाह, व्हाट अ ट्विस्ट! और साथ में टू छेद भी। क्यों मजाक कर रहा है यार? मीरा तुम ही कोई सलूशन बताओ। जो बोलना था मैं तुमसे कह चुकी हूँ, तुम अपनी फैमिली लाइफ स्टार्ट कर सकते हो क्या? नो मीरा, नेवर। अबे चुप रहेगा या नहीं? अभी मैंने शादी के बारे में नहीं सोचा है, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं शादी नहीं करना चाहता। मैं बस तुम्हें एक मिडिल क्लास लाइफ दे सकता हूँ, क्योंकि अभी मैं इसी लायक हूँ। क्या पता फ्यूचर में सक्सेसफुल हो जाऊँ, नहीं हुआ तो ऐसे ही डांस क्लास चलाऊंगा। लेकिन एक बात तो तय है, अगर तुम मेरी लाइफ में होगी तो हमारी लाइफ कलरफुल हो जाएगी, इसकी गारंटी है। ये धोखा नहीं देगा। तुम भी मत देना। उसके हाथ पैर तोड़ के रख देंगे हम लोग। उसके हाथ पैर तोड़ कर रख देंगे। फिर भी मैं पापा के खिलाफ जाकर उनका दिल दुखा कर घर छोड़कर नहीं आ सकती हूँ। फिर हो चुकी शादी। चुप करना तू। पापा आमतौर पर 9 बजे सो जाते हैं, 2 दिन के बाद 10 बजे तुम घर आ सकते हो, मैं तुम्हारे साथ आ जाऊंगी। वाओ, व्हाट अ मार्वेलस डॉटर। अरे मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था, बहुत बेस्ट है। सिर्फ पिताजी की तकलीफ है, उनको तो हम देख लेंगे। दोस्तों मेरी शादी हुई तो मुझे बच्चे बच्चे नहीं चाहिए, नहीं तो इसी तरह हमारा हाल भी होगा। तुम लोग चुप नहीं रह सकते क्या? बेवकूफ कहीं के। मीरा रुको, मैं ड्रॉप करता हूँ। नहीं मैं चली जाऊंगी। तो फिर ठीक है, 2 दिन के बाद रात को ठीक 10 बजे। उसके बाद जैसा उसने कहा था मीरा 2 दिन के बाद आई थी। आने ही वाली थी लेकिन व्हीलचेयर पर बैठने की वजह से रीढ़ की हड्डी कमजोर हो गई है। जो लोग वहां पर थे उन्होंने एम्बुलेंस का इंतजार नहीं किया और पेशेंट को उठाकर यहाँ ले आए, वो भी मेरी जानकारी के बिना। डॉक्टर आप कहना क्या चाहते हैं? सर्जरी हो गई है, हम जो भी कर सकते थे वो हम कर चुके हैं, लेकिन अभी वो चल नहीं सकता। अरे इन लोगों ने भी तसल्ली के नाम पर धोखा दे दिया। सेवर भाई चाहे कुछ भी हो जाए हमें उसे फिर से ठीक करना ही होगा, उसके लिए हम कुछ भी करेंगे। अरे तू टेंशन मत ले, हमारा दोस्त वापस आएगा। और इस तरह बाद में स्टेजन का इलाज करने में बहुत दिन निकल गए। फिर ऐसा मौका नहीं मिला क्या? हाँ मिला था, दूसरी बार जब हम मीरा से मिलने गए थे तब एक हादसा हो गया था। कश्मीर के श्रीनगर के एक स्कूल में हुए हमले में ब्रिगेडियर मेजर माधव वीरगति को प्राप्त हुए। श्रीनगर के स्कूल में 40 बच्चों को बंदी बनाकर रखे हुए उस आतंकवादी के साथ हुई मुठभेड़ में बम को डिफ्यूज करने की कोशिश में 55 लोगों की जिंदगी बचाने के लिए स्कूल के बगल की बिल्डिंग के रूम में वो घुसने ही वाले थे, तभी बॉम्ब ब्लास्ट हो गया और वो शहीद हो गए। मेजर माधव का जो पार्थिव शरीर है वो सुबह स्पेशल फ्लाइट से उनके गाँव पहुँचा है। Thank you.
आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अपनी मौत को चाह कर भी टाल नहीं सकते। हम मिलिट्री वाले हैं। मैं हमेशा अपने बेटे से कहता था, बेटा कभी ये मत पूछना कि देश ने आपके लिए क्या किया, हमेशा ये बोलना कि मैं अपने देश को क्या दे सकता हूं। मेरे बेटे ने इस सिद्धांत को निभाया अच्छे से, उसने अपनी जिंदगी देशवासियों के नाम कर दी। आप सबकी श्रद्धांजलि को देखकर मुझे फक्र होगा। आपकी ये देशभक्ति जीवित रहने वाले हर आर्मी ऑफिसर को ऊर्जा देगी। थैंक यू सो मच एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सन। थैंक यू। आई एम प्राउड ऑफ माई सन। जय हिंद। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, ऐसे ही। अब मेरा तुम बताओ, मैं डैनी से क्या बोलूं? पापा की तकलीफ देख रहे हो ना तुम? अब ऐसी सिचुएशन में मैं उन्हें अकेला छोड़कर कैसे आ सकती हूँ? सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे भाई ने मुझसे जो आखिरी बार बात की थी, I'm helpless। डैनी को कहो सब कुछ भूल जाए। अब ये तुम डैनी से मिलकर बोल सकती हो ना? नहीं, डैनी को सामने देखकर मैं उससे बात नहीं कर पाऊंगी, और ये ठीक भी नहीं रहेगा। सभी मुझे माफ कर दो। ओके, थैंक यू। पापा जी, आपको तकलीफ हो रही होगी। इफ यू हैड कॉल्ड मी आई वुड हैव कम ओवर। नहीं, बात ऐसी है कि मिलकर ही करनी थी, इसीलिए आया। बोलिए ना पिताजी, ऐसी क्या बात है? आई लॉस्ट माई सन। अब मेरी जिंदगी में सिर्फ मीरा ही है। बहुत जल्द मीरा का हाथ तुम्हारे हाथों में देकर मैं निश्चिंत होना चाहता हूं, उसके बाद यात्रा पर जाऊंगा। यात्रा कहां पर? बहुत दिनों से मैं जाने के लिए सोच रहा था, एक तीर्थ यात्रा पर। लेकिन जब अब मेरा बेटा नहीं रहा, ऐसी सिचुएशन में हम शादी बहुत धूमधाम से नहीं कर पाएंगे। सर, कोई धूमधाम नहीं चाहिए। जिस दिन मैंने मीरा को देखा, उसी दिन फैसला कर लिया कि मीरा के अलावा मेरी जिंदगी में कोई लड़की नहीं रहेगी। आई लाइक हर सो मच, सो व्हेन यू डिसाइड आई एम रेडी टू ओबे। थैंक यू सर, प्लीज डोंट थैंक मी, यू आर एम्बैरेसिंग मी, प्लीज। थैंक यू सो मच। बेटा दास, मैं पूरे विश्वास के साथ मीरा का हाथ तुम्हें दे रहा हूँ। मेरी बेटी की आंखों में एक भी आंसू आने मत देना, दैट्स ऑल। सर, यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड, मैं मीरा का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा, आप चिंता मत कीजिएगा। ट्रस्ट यू। थैंक यू यंगस्टर। यस सर। थैंक यू। बस वैसे ही मीरा और ईश्वर दास की शादी हो गई, और ईश्वर दास का गोवा में ट्रांसफर हो गया। सब कुछ एकदम से हुआ। उसके बाद डैनी अपने आप को अलग दुनिया में लेकर चला गया। हमें ऐसे मिले बहुत दिन हो गए ना। अरे किंचा, तुम्हारे पैर में चोट लगी थी, अभी कैसी है वो? अरे कुछ नहीं यार। कुछ नहीं, दवा ले लेना, नहीं तो बाद में बहुत तकलीफ होगी। सही बोल रहा है, ज्यादा पीना तेरे लिए ठीक नहीं है। अभी पीने के बाद क्या ज्यादा तकलीफ होगी? मुझे बहुत बड़ा सबक मिल गया। बहुत दिनों तक मुझे पेन होता रहा, सच कहूं तो मैं ठीक से सो भी नहीं पाया। बाद में मुझे पता चला कि ये दर्द तो मेरे साथ ही जाएगा। चुपचाप पीना। इसकी जैसी हिम्मत डैनी के पास भी नहीं है। हाँ। अरे पुलिस कोई माने नहीं रखती यार। देखो पुलिस भी इसे पकड़ के क्या कर लेगी। लगता अपना ये जमीर अभी तक उसको भूला नहीं है भाई। सही कह रहा है। अरे वो अभी तक उसको भूला नहीं क्या? नहीं यार, छोड़ उसको। अरे डांस क्लास शुरू किए कितने दिन हो गए पता है? हाँ। 6 महीने हो गए डांस क्लास छोड़े हुए। अरे यार, उसे फिर से सुधार कर रास्ते पर लाना पड़ेगा। एक मौका हाथ में आ रहा है, और एक दिन बाद फंक्शन भी है। अपने डैनी का पुराना क्लाइंट है, और उसने कहा कि उसे डैनी का ही डांस चाहिए। ठीक है, तो हम उसे मना लेते हैं ना? नहीं नहीं नहीं, ये काम नहीं बनेगा, वो हमारी बात नहीं सुनने वाला। तो फिर क्या? अरे वो कुछ नहीं यार, गोवा में एक फंक्शन है, और ऊपर से चीफ गेस्ट के रूप में मीरा और मीरा का पति आने वाला है। तब तो हम जरूर जाएंगे। कहाँ है डैनी? अरे यार, ये तू क्या बोल रहा है,
अगर उधर झगड़ा हो गया ना तो पूरा सीन हो जाएगा। अरे हम कमाल करके रख देंगे। अरे वो जो मीरा खुशी से जी रही है ना, उसे हम लोग दिखा देंगे। उसे हमें रास्ते पर लाना ही होगा ना। बात तो सही है। मैं फिर उसको समझा के लेकर ही आऊंगा, मैं वादा करता हूँ। भाई मुझे नहीं लग रहा है कि वो मान जाएगा। अरे उसे समझाना मतलब हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तुम लोग चलने को तैयार रहो, उसे लाने की जिम्मेदारी मेरी। ए, मैं यहाँ पर आया हूँ तुझे एक बात बोलने के लिए। देख जरूरत पड़ने पर तुझे करना ही होगा। अगर तू कह रहा है ना तो मैं कुछ भी करूंगा। अच्छा सुन, गोवा में जो प्रोग्राम शुरू होने वाला है उसका चीफ गेस्ट कौन है पता? प्रधानमंत्री भी आएंगे ना तो भी मैं नहीं जाऊंगा। प्रधानमंत्री तो नहीं है लेकिन प्रधान जैसा ही है। तुम्हारे दिल में प्रधान बनकर बैठने वाली है वो 3.5 फुट वाली कश्मीरा एप्पल और वो IPS ऑफिसर। तुम जो डांस करने वाले हो ना वो उसके दिल को छू जाएगा। वैसे वो तुम्हें धोखा देकर इतनी खुशी से जी नहीं रही होगी। बेकार में अफसोस करने से अच्छा उसको दिखा दे। मुझे जानना है, बिना बताए मेरी मीरा मुझे छोड़ के चली क्यों गई? मुझे कोई बात नहीं करनी है, मैंने समीर से सॉरी कह दिया था। मैं ये सुनने के लिए नहीं आया। तो और क्या बात है, मैं किसी और की बीवी हूँ, तुमसे प्यार करने वाली मीरा नहीं हूँ मैं। I don't love you anymore. No, तुम झूठ बोल रहे। Dan, please. मैंने तुमसे प्यार किया था लेकिन पापा की वजह से मुझे किसी और से शादी करनी पड़ी। But I'm happy right now. भगवान के लिए आज के बाद मेरा पीछा मत करना। Please, I beg you. यहाँ कोई आया था? नहीं, कोई भी नहीं आया था। रो रही थी, आंखों में आंसू हैं। मेरा सिर दर्द हो रहा था इसलिए विक्स लगाया था थोड़ा। मैं जाकर रेस्ट कर लेती हूँ। सरदर्द कैसा है तुम्हारा? हाँ थोड़ा सा कम है। कैसे कम हो गया? ये देखो विक्स तो खत्म हो गया। ये बाम लगा लो, अच्छा रहेगा। लगा लो ना। दास आई कैन एक्सप्लेन। पहले अपना सरदर्द कम कर लो, बातें तो बाद में भी होंगी, हम आराम से बात करेंगे ना।
हेलो सर, कैसे हैं? मेरा एक काम करोगे? वो जो फोर्ट कोची का डांस मास्टर है ना, डैनी, उसकी पूरी कुंडली चाहिए मुझे। हो जाएगा, कल तक चलेगा ना? कल नहीं, अभी 10:30 बजने से पहले उसकी पूरी कुंडली चाहिए मुझे। इतनी जल्दी? जल्दी करो। ठीक है, रेडी करके देता हूँ। किसने बोला था ये करने के लिए? फंस गया ना तू? अरे तुझे वहां नहीं जाना चाहिए था। अरे कहीं उसने देख लिया होगा तो बहुत बड़ा सीन हो जाएगा। ऐसा हुआ तो उसकी वजह यही है सिर्फ। फालतू में बुलाकर लेकर आ गए, गलती तेरी है, तू ही बुलाकर लाया। अरे जरा इसकी हंसी तो देख, बेवकूफ। अरे इतना बड़ा कांड करके ऊपर से हंस रहा है तू? यार अब्बू, मुझे पसंद नहीं करती है। ये सही है, खुद भी मरेगा और हमें भी मरवाएगा। अरे अगर यहाँ पर आएंगे तो हमारी पुंगी बच जाएगी। ए, चल उठ, चल चलते हैं यहाँ से। अरे मैं नहीं आऊंगा, तुम लोग जाओ। मैं नहीं आऊंगा मतलब हम लोग तुझे छोड़ के कैसे जाएंगे? चल उठ, खड़ा हो। अरे सोच क्या रहा, उठना। मैं नहीं आऊंगा ना, कहा ना तुम लोग जाओ। अरे इसको कैसे समझाऊं? अब मेरी जिंदगी यही है, मुझे यही अच्छा लगता है, मैं यहाँ खुश हूँ यार। पहले से तेरे सर पे पागलपन चढ़ा हुआ है। अरे समझता क्यों नहीं तू, वो अब किसी और की बीवी है। पागल कहीं का। हे डंबल, हे समीर, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई। मेरा प्यार सच्चा है और मैंने उसकी आंखों में ये देखा है। बहुत बढ़िया, पहले वहां गया वो गलती की, अब बोल रहा है उसकी आंखों में प्यार देखा। क्या यार, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बोल। मैं जा रहा हूं। इस आशिक को यहीं मरने दो, हमें क्या पड़ी है। चल देख, यहां ऐसे पड़े मत रहना, अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो सीधे हमें कॉल करना। अरे यार तुम लोग यहां से जाओ, मैं आऊंगा तो उसे साथ लेके आऊंगा। ये नहीं सुधरेगा, कैसे समझाऊं इसको। 500 रुपए दे इसको। क्या कहा, पैसे? बियर पीने के लिए। अरे देना, चल निकाल। असमत, तू क्या समझता है, गोवा में इधर आकर तेरी बकवास सुनकर डांस करके यहाँ से चला जाऊंगा? मैं यहाँ आया था बेनी पीने के लिए, बेनी पीऊंगा मैं और डबल गोल भी करूंगा, समझ में आया क्या? चल बे। बोल सर, मीरा और वो डांस मास्टर आपस में बहुत करीब थे। आप लोगों की शादी होने से पहले उनका सीन चल रहा था सर, उसने डांस छोड़ दिया है, बस शौक के लिए अभी करता है। अभी गोवा में एक डांस फंक्शन के सिलसिले में। सर एक और बात है। सर सुन रहे हैं क्या? हेलो। हाँ बोल। पहले उनका फोर्ट कोची में डांस क्लास में चक्कर चल रहा था और उसके बाद आपसे उसकी शादी हो गई। चले गए थे ना, वापस क्यों आ गए? अरे जाने वाले ही थे, लेकिन जाने के पैसे से बिन्नी पी ली, उसके बाद पी के लुढ़क गए हम लोग, और जब होश आया तो देखा तो 5 बज गए और फिर लेट हो गए। फिर सोचा अभी जाएंगे तो गाड़ी भी नहीं मिलेगी और बस भी नहीं मिलेगी। फिर सोचा अब कहाँ जाएंगे हम, हमें तो सिर्फ एक ही जगह पता थी, वो भी ये। क्यों, यहाँ आने से तुम्हें कोई परेशानी है क्या? मुझे क्या परेशानी होगी? अरे ऐसी बात नहीं है, जला इसे। अरे तुझे यहाँ अकेले छोड़कर हमें चैन की नींद आएगी क्या? हाँ
चैन की बात सुनकर याद आया, यहाँ की बिन्नी की अपने उधर बहुत डिमांड है। जाते समय लेकर चलेंगे, अपने उधर इतनी अच्छी नहीं मिलती है। यार तुम लोग की तरह खुश रहना, मौज मस्ती करने का मेरा भी दिल करता है यार, लेकिन मुझसे हो नहीं पा रहा। मेरी मीरा मेरे दिल से निकल ही नहीं रही है, मुझे माफ कर दे यार, I'm helpless। अरे इस बार इसने पूरे दिल को छू लिया, क्या करेंगे अभी यार। एक काम करते हैं, एक और पैक पिलाते हैं, ये ले। अरे इसे पीने से मीरा का ही नहीं अपना एड्रेस भी भूल जाएगा, इसे ही कहते हैं बिन्नी। कैसा है, दर्द कम हुआ क्या? एक और दे यार। अबे क्या है ये? अबे बेवकूफ, ये कोई नारियल पानी नहीं है जो ऐसे उठा उठा कर पी रहा है, इसे पीने से रोट जाते हैं बंदे। एक पैक पीने से सीधे सुबह ही आँख खुलती है, पीने की बात कर रहा है। अबे तू कहाँ जा रहा है अब? मैं जरा बाहर टहल के आता हूँ। अरे जल्दी आना, हमें जाना भी है। ज्यादा लेट मत कर। अरे नहीं, मैं आ जाऊंगा यार। अरे भाई कल ये सुबह हमारे साथ चलेगा क्या? वो हमारे साथ जरूर आएगा, देखना। अभी तक नहीं आया। शिट। ए, दरवाजा खुला है, देखना अभी तक नहीं आया। तंग मत कर यार। अरे उठना, वो अभी तक नहीं आया। चल उठ जा, मुझे लगता है कहीं पी के गिर गया होगा। चल, सपना तोड़ दिया। अरे रिंग जा रही है। ये तो डैनी का फोन है। हाँ यार डैनी, सब डैनी, 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 क्या हुआ? डैनी किसने किया ये? क्या हुआ? मुझे नहीं पता। कौन है? कौन है? कौन है? तो फिर उसके बाद क्या हुआ? जिसके पास काम धंधा नहीं है वो क्या करेगा? अब हमारे मास्टर स्टेज पर डांस नहीं कर सकते। पैर की नस को उसने खुद काट लिया था, इतना होने के बाद भी वो सुधरा नहीं। उस पैर को लेकर मीरा के पीछे घूमता रहा सिर्फ उसे पाने के लिए। डैन प्लीज, तुम यहाँ से चले जाओ। तुम्हें जितनी बार भी देखती हूँ आई फील गिल्टी। नहीं मीरा, नो, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। नो, दिस इज किलिंग मी। तुम्हारे उस डांस प्रोग्राम में हिस्सा लेने के बाद शांति क्या होती है मुझे पता ही नहीं। तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? क्यों मुझे सजा दे रहे हो तुम? मीरा ऐसी बातें क्यों कर रही हो तुम? तुम अभी भी मुझे पसंद करते हो क्या? डैन प्लीज, ऐसी जगह चले जाओ जहां हम दोनों का कभी सामना ही ना हो, प्लीज। हे मीरा, तुम मुझे चले जाने के लिए बोल सकती हो, बट मुझे तुमसे प्यार करने के लिए नहीं रोक सकती। जब तक मेरे शरीर में जान है तब तक मैं प्यार करूंगा। तुम जाओ, अभी जाओ। दास, what happened? कब से पी रहे हो तुम ये? Now you are looking so innocent. ए, तुम्हारी वो आज की उस लड़के के पीछे पड़ के मौज मस्ती कर रही थी ना तुम? किस किस को धोखा देकर घूम रही हो? Stop, please. Please? Kaika, please, you power cheat. What did you just say? Cheat. Characterless. समझी? जिसको इंग्लिश में बोलते हैं cheat. That's what you are. दास, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है, हम दोनों के बीच अब कुछ भी नहीं है। अरे मैंने देखा, तुम उसके साथ बाहों में बाहें डाले खड़ी थी। You mistaken. Mistaken I was, but not anymore. मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो मुझे। You
can't hurt me. I know what you are. तूने मुझे ऐसा करने पे मजबूर किया। उसका डांस, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसलिए मैंने बहुत सोच समझकर फिक्स किया था उसको। लेकिन गलती हो गई तुमसे। What do you mean? तुमने किया डैनी के साथ वो सब? Soft corner. I mean. Das, क्यों किया तुमने उसके साथ ऐसा? I'm not done yet. I'm gonna finish that forward. Please no. हेलो पापा। बेटी, what happened to you? You are sounding dull. बात क्या है? कुछ नहीं पापा। बेटा बोलो, what happened to you? कुछ भी नहीं। रोना बंद करो, बात क्या है बोलो। पापा मैं यहाँ नहीं रह सकती। बेटा? वो मुझे बहुत टॉर्चर कर रहा है, मेरे सिर पर चोट भी लगी है। बेटा, you are a strong girl. मेरे हाथ में भी चोट लगी है पापा। बेटा, listen to me carefully. Listen. अब यहाँ नहीं रह सकती। Now you do what you feel right. I'm coming there. तो फिर दास ने मीरा को मार दिया? हाँ, डैनी के ऊपर गुस्सा निकालने के लिए। मुझे अच्छी तरह याद है, एक बार दास के साथ मारपीट भी हो गई थी। हम लोग गोवा से वापस लौट कर आएंगे, इसकी उम्मीद पूरी तरह छोड़ चुके थे। कहाँ है तेरा वो प्यारा दोस्त? मैं नहीं जानता सर। तेरी तो Oh,
मेरे दोस्तों, मेरी बात सुनो। तुम लोग कोची से निकल जाओ। अभी यहां मेरा सिर्फ अकेले का काम है। उसे हमने बहुत टॉर्चर किया है, वो चुप नहीं बैठेगा। सावधान रहना, हम जल्दी मिलेंगे। गोवा से बचकर कोची में आकर फंस गया तो पूरा मामला सुलझ गया, ऐसा सोच लिया तुमने? कहाँ है वो? मैं नहीं जानता सर। बोल बोल। अरे छोड़ो सर। चुप चुप बोल। मैं सबको बराबर सबक सिखाऊंगा। कौन है वो? छोड़ दे उसे। नहीं बताएगा। बोल डैनी कहाँ? छोड़ दे उसे। मैं नहीं जानता। अरे छोड़ दे उसे। अबे चुप कर। तुम बोलेगा जब भी बचेगा। डैनी कहाँ है? नहीं बोलूंगा, बोल वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। कहाँ चला गया? बोल। मिस्टर ईश्वर, आई कैन अंडरस्टैंड योर सिचुएशन, लेकिन आप उनको इस तरह टॉर्चर करना बंद कीजिए। जो कुछ भी करना है कानून के दायरे में रहकर करना होगा, नहीं तो मेरे वोटर्स को बेकार में तकलीफ दोगे ना, तो मैं चुप नहीं रहूंगा, समझ लेना। हाँ, वो सब मैं ठीक कर दूंगा, बिल्कुल चिंता मत करना, ठीक है? जैसे ही मिलेगा मैं आ जाऊंगा। हां, मिलना मुझसे। वो रंजना को ढूंढने के लिए हर जगह घूम रहा था। डैनी रंजना के साथ ही है ऐसा हम सोच रहे थे। उसके बाद हम वहां पहुंचे, लेकिन वहां पहले से ही एक और आदमी पहुंचा हुआ था। आप यहाँ कैसे? तूने क्या सोच लिया बे कमीने? हेलो, क्यों बे? सर, ये लड़की भी उनके ही टीम का हिस्सा है। ओहो, अच्छा। इसको उठाने ही वाला था सर, लेकिन बचा के यहाँ ले आया। अच्छा, ऐसा है क्या? हे, ये दास यहाँ कैसे आ गया? तो फिर समीर, हम चलें क्या? सर, मैं इन सब में क्या? सियाद, लेकर आओ इसे। सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, मेरी बात सुनिए। चलिए सर। हेलो रंजना, बोलो। दरअसल मैं और रेनू सर उसको फॉलो कर रहे थे सर। उसके बाद? वो यहाँ ओलम बोत्री के घर छुप के रहता है सर। हैं? अरे तुम लोग उसे फॉलो क्यों कर रहे हो? हम सबको शक है कि डैनी उसके साथ ही है। तो फिर डैनी से मिले क्या? नहीं, लेकिन उससे भी बढ़कर यहाँ एक सीन हो गया। कैसा सीन? उसकी बीवी है ना राजी। हाँ। वो बेचारी बीमार है और कोमा स्टेज में है। राजी? इतना ही नहीं, ACP ईश्वर दास उसको पकड़ कर लेकर चला गया। ओहो, जितनी जल्दी हो सके वहाँ से निकलो, बाकी बाद में देख लेंगे। ठीक है, चलो चलते हैं। चलो चलो। वेट, तो फिर डैनी सेवियर की प्रोटेक्शन में था क्या? तो फिर समीर की बीवी और राजी इस स्थिति में, इट्स टोटली कॉम्प्लिकेटेड। हम इसको लेकर किसी मुकाम तक नहीं पहुंच सकते। मैं, सेवियर, डैनी, हम तीनों समीर को ढूंढते हुए कोची में ईश्वरदास के घर पहुंचे। अरे वो भाग गया। जल्दी पीछे जाके देख। वो भाग गया, चल अभी अंदर देखते हैं, चल। अरे ये
ये क्या हो गया? अंदर जाके देख। हाँ। ए, चंदू, 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 चंदू कहीं नहीं अंदर। यार, लगता है यहाँ बहुत बड़ा सीन हो गया है। अगर हम यहाँ रुके तो हमारे सर पे आ जाएगा ये। चल जल्दी चल, उसे जाकर ढूंढते हैं। आजा। हाँ। ईश्वरदास गद्दू को पकड़कर जाने के बाद उसे आज तक हमने कभी नहीं देखा। बाद में हमें खबर मिली कि गंदू ने आत्महत्या कर ली। ये सब उसने किस लिए किया ये अभी तक नहीं जानते, बस जो बताया वही बताता। या दैट्स इट। ओके थैंक यू गाइस, सी यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। ओके अरे भूलना मत। ओके फॉर द मूव फोर्ट कोची। श्योर। यहाँ तक तो ठीक है, क्लाइमैक्स के बारे में क्या सोचा है? इस स्क्रिप्ट में जो लिखा है उसके मुताबिक, वो पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक जो है वही ना? हाँ, लेकिन ईश्वरदास के मर्डर में और मीरा के मर्डर में और गंदू की आत्महत्या के बीच कुछ तो कनेक्शन है। सैंटा क्रूज पुलिस कुछ बता नहीं रही, वो जानबूझकर कुछ छुपा रही है। वर्षा स्टोरी को खींचो मत, कम टू द पॉइंट। गंदू को ईश्वरदास ने पकड़ लिया है, डैनी और उसके दोस्त ईश्वरदास के घर पे क्यों मिले, मर्डर का इस सीन में कुछ तो पहलू है। क्या पहलू है? जो डंबर के कहने के मुताबिक उसके बाद वो लोग जिंदा गंदू से नहीं मिले। तुम फिर से मामले को उलझा रही हो, सीधा मुद्दे पर आओ वर्षा। सॉरी सर, मेरी छानबीन के मुताबिक जो मुझे पता है वो मैंने बताया। चल बोल। बोलता हूँ, बोलता हूँ। अबे आगे बोल। चलो बोलो बेटा, तुम क्यों इस तरह बीवी को लेकर छुप छुप कर जीते हो? हैं? बस ऐसे ही सर, ऐसे ही, ऐसे ही। सियाद। माँ फिरा मत, सीधा बोल। बता तो। इन सब की वजह, इन सब की वजह अडारिया साहब। थोड़ा खुल के बता। इस दुनिया में ज्यादातर भरोसा रखने वाला मेरा दोस्त और मेरी बीवी मिलकर। डैनी, समीर को ये पता नहीं चलना चाहिए। तुम डरो मत, वो कुछ नहीं जानता। तुम आ गए क्या? अरे तुम कहाँ थे और कब गए थे? डैनी आया था, तुमसे मिलने आया था समीर। मैंने कहा था थोड़ी देर रुको, पर वो चला गया। क्या बात है, परेशान लग रहे हो। झूठ बोल रही है, उसके साथ मिलकर मुझे धोखा दे रही है। वैसे इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गलत तो उस डैनी ने किया है। चलो हम ये जगह छोड़ देते हैं। वो डैनी, उठो, हम ये जगह छोड़कर चले जाते हैं। उठो राजी, 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 उठो राजी, उठो यार, राजी, 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 राजी। उसने राजी को,
उसने राजीव को इस हाल में पहुंचा है। उस डैनी का मैं क्या करूं, बताइए सर, बताइए आप। बोलो 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 बोलो। मुझे कोई गिल्टी नहीं है सर। सर इसको दो लाफा देंगे तब सीधा बोलेगा। ये बोलने से सर मुझे मार डालेंगे जानता हूं, पर मरने से मैं डरता नहीं। सर आपके हाल को देखकर मुझे भी तकलीफ हो रही है, वो मीरा को भी आपकी बीवी बनकर ही रहना चाहिए था। इन सब की वजह तू है हिजड़े। उस डैनी ने भी सब कुछ छोड़कर अपनी जिंदगी बसा ली होती, जिसके लिए तू उसके पैर को काटने के लिए गया था उसी के लिए वो उससे जुड़ने लगा। बेचारी उस मीरा की बलि चढ़ाने वाला तू है तो। उस दिन डैनी और मीरा के मिलने से पहले तुम्हारे घर मैं गया था। समीर तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? अरे प्लान में थोड़ा चेंज है, हमें जल्दी जाना होगा। मैं जल्दी से रेडी होकर आती हूँ। मीरा एक ग्लास पानी मिलेगा? अभी लाती हूँ। इन सब की वजह तुम्हारा तुम्हारा डैनी है। ये डैनी के कर्मों की सजा है। I'm sorry, मीरा डार्लिंग। मैंने तुम्हारे ऑफिस में आकर एक बात बोली थी, मेरी जिंदगी में रिश्ते के नाम पर मेरे बेटे के बाद सिर्फ मेरी बेटी ही है, उसको तकलीफ मत देना। उसको तकलीफ देना तो दूर की बात है, तूने तो उसे दुनिया से उठा दिया। पिताजी मैंने नहीं। नो, यू थॉट दैट आई एम एन ओल्ड रिटायर्ड मैन। डैम इट, आई एम रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड। I can still hold the gun straight. जी मेरी बात तो सुनिए। This is my verdict. उसके बाद सियाद को फोर्ट कोची में किसी ने देखा भी नहीं। ओह, फिर ईश्वरदास की जिस दिन हत्या हुई तो क्या उसके बाद मधु पुलिस में सरेंडर हो गया? ये सच है,
ईश्वर दास ने ही मीरा को मारा है, ऐसा मेजर ने यकीन किया। ये तो फैक्ट है, लेकिन गंधवत की आत्महत्या स्टिल इट इज अ मिस्ट्री, है ना? राजी का जो ये हाल है, ये गंधत्व ने किया है क्या? राइट, लेकिन गंधवत ने इस बारे में डैनी से बात की थी, और इतना ही नहीं, गंधवत और समीर अपने जिगरी दोस्तों के साथ, जिन्होंने उसकी बीवी को कोमा में डाला, उन्हीं के साथ छुपकर अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। सर, यही बात मुझे डीपली सोचने पर मजबूर कर रही है। तो फिर गंधवत? सर, ईश्वर दास के घर से गंधत्व बचकर भाग गया, उसके बाद किंजा डम्बर तू भी आ गया। अबे गंदू, अरे कहाँ है डैनी? कहाँ है? बोल 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 ना, मीरा का डैनी कहाँ है? अबे तूने तूने ये करके तुझे क्या मिल गया? अभी राजी तुम लोगों के साथ है ना? अच्छा ख्याल रखो। ख्याल रखना मेरी राजी का। अबे सुअर, उस दिन जैनी तेरे घर आया था उसका सच क्या है बताओ? मैं भी उसके साथ ही था उस दिन। बहन राजी, मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों के बीच में इतनी परेशानी चल रही है। तुमको भी पता चलना चाहिए तुम्हारा दोस्त कहाँ जा रहा है, किसके लिए जा रहा है, और तुम दोनों ने ही हमारी शादी करवाई थी और अब ये हो रहा है। मैं यहाँ कैसी जी रही हूँ तुम लोगों ने कभी सोचा? बताओ। अरे ये सब बेकार की बात है दोस्त, मैं जा रहा हूँ। hey, डम्बर तू रुकना यार। देख इन चीजों में मैं नहीं पढ़ने वाला, तू बात करके आ जा, मैं गाड़ी के पास खड़ा हूँ, ठीक है? आ जाना। गाड़ी लेकर आया क्या? नहीं, चलकर आया हूँ मैं। डैनी तुम जरा समीर से बात करो ना, मुझ पर भी ध्यान देने के लिए बोलो, फुल टाइम अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करता है। मैं भी तो एक लड़की हूँ, जितना प्यार दोस्तों को दिखाता है उतना मुझे भी तो दिखा सकता है। राजी जाने अनजाने में मैं भी गुनहगार हूँ, तुम लोगों की जिंदगी में इतनी परेशानियाँ हैं, सच में मैं नहीं जानता था। डैनी बात करने के लिए भी यहाँ समीर के अलावा कोई नहीं है। तुम लोगों ने जिंदगी में जो खोया है शायद वो मैं तुम्हें ना दे पाऊँ, फिर भी मैं समीर से बात करूंगा, मुझ पर भरोसा रखो, तुम मेरी बहन जैसी हो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। hey, सब ठीक हो जाएगा। अरे ये क्या कर दिया। डैनी, डैनी, डम्बर तू ऐसा सोचेगा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। क्या किया तूने यार, तूने मीरा को। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। डैनी माफ कर दे। डैनी सब तेरे साथ गलत बर्ताव करते थे, लेकिन मैं तेरा साथ देता था, लेकिन तूने जो नहीं करना चाहिए था वही किया तूने। हाथ देना। ये क्या? जो इंसान डैनी को नहीं समझ पाए उसकी कोई जरूरत नहीं हमें। माफ कर दो मुझे। डम्बर डम्बर मत जा यार।
एकिंजा कुछ बोलना है ए डंबर, ऐसा मत कर यार। क्या यहाँ से? डैनी हट ना, चुप। डैनी एक किंचा मुझे मार कर जा, मुझे जीना नहीं है। डैनी ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। डैनी डंबर मुझे मार दे यार, मार दे। डंबर चलना यार, यहाँ से निकलते हैं, चलना मार दे यार। डैनी मार दे यार, डंबर मुझे जीना नहीं है, मैंने बहुत बड़ी गलती की, मुझे जीना नहीं है। मार दे मुझे, मार दे। डैनी माफ कर देना यार, तू मरना चाहता है ना, ठीक है चल मर जा। तूने मुझे मारने के लिए मजबूर क्यों किया? सर आप कुछ बोल नहीं रहे? क्लाइमैक्स तो ट्रेजिक है। पसंद नहीं आया सर? ऐसी बात नहीं है सर। देखो मुझे तो अच्छा लगा, लेकिन तुम इस कैलकुलेशन पर कैसे पहुंची? मैं आपके ही सवाल का वेट कर रही थी सर। तो फिर पूछने से पहले बता देती, बेकार का टेंशन क्यों दे रही हो? सर सांता क्रूज डांस क्लास में मैंने पता किया था। गुड, जिसे माफ नहीं कर सकते, डैनी का ऐसा एक दोस्त और दर्द छुपाने वाला डैनी, मौत से भी बढ़कर सजा भला अपने जिगरी दोस्त को कैसे दे सकता है? ये एक बहुत ही बड़ी बात है। अपनी माशुका के खूनी गंधवत को दुनिया से छुपा कर रखा है। जानती हो इसका मतलब क्या है? कि डैनी अपने दोस्तों से प्यार करता है और डैनी अपने दोस्तों में से किसी को खोना नहीं चाहता। इनफैक्ट दे आर द रिदम ऑफ रियल फ्रेंडशिप।